हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको शनि की महादशा के विषय में बताना चाहूँगा कि किसी जातक की शनि की महादशा में शनि का ही प्रत्यंतर चले तो क्या फलादेश होंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो ऋषि पाराशर की होराशास्त्र में लिखा वैसे ही का वैसे बताना चाहूँगा। तो यही एक मेरे वीडियो की विशेष बात है कि शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है और शनि में शनि का जो अंतर चलता है वो 3 वर्ष 3 दिन का चलता है। शनि महादशा में अंतर दशाएं या प्रत्यंतर दशाएं, शनि की महादशा में अंतर दशाएं और साथ साथ प्रत्यंतर दशाएं भी चलती है। तो आज मेरा टॉपिक है शनि की महादशा में अंतर दशाएं। आपका जो जन्म नक्षत्र या चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है वही महादशा तय करता है, ठीक है। आपका जन्म नक्षत्र काल चक्र की गणना हेतु जो कि 120 वर्ष की विषुवती दशा के रूप में वर्णित है, आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर किस समय किस ग्रह की दशा चल रही है यह पता किया जाता है, जो भविष्य कथन हेतु महत्वपूर्ण होता है। आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ विषुवती दशा ही होती है, शनि की महादशा मतलब विषुवती दशा ही होती है और उस विषुवती दशा के विषय में डिटेल बताना चाहता हूँ। नौ ग्रहों की ये दशाएं महादशा के रूप में जानी जाती है। सबसे खास बात जो बताना चाहूँगा, जब किसी ग्रह की दशाएं चलती है तो उस समय उसको थोड़ा संकट होता है। जैसे ही आपकी शनि की महादशा चालू हुई और शनि में शनि चालू हुई या उसके पूर्व की जो दशाएं चल रही थी वो खत्म हुई तो उस समय जीवन में थोड़ा बहुत संकट आता है, तो उसको कहते हैं दशा छिद्र। वह समय कष्टकारी होता है, इस समय मानव को थोड़ी तकलीफ होती है और मानव बड़ा परेशान हो जाता है। तो इसी समय वो बहुत परेशान होकर पंडा पुजारी ओझा नगनगिने के पास जाता है और पता नहीं ज्योतिषियों के पास जाता है, बहुत परेशान होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो थोड़ा सा समय बहुत कष्टकारी होता है, इसके बाद अच्छा समय आना ही है ये तय होता है। प्रत्येक महादशा के 9 उपखंड होते हैं, महादशा के 9 उपखंड होते हैं, 9 भाग। फिर उस अंतरदशा के भी 9 भाग होते हैं, फिर प्रत्यंतर दशा के भी 9 भाग होते हैं, सूक्ष्म दशा के भी 9 भाग होते हैं। इस तरह की विषुवती दशा एक विशालकाय दशा कहलाती है। ग्रह अपनी दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा या प्राण दशा सूक्ष्म दशा और गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह कब फल देगा या निर्धारण के लिए ज्योतिष के कुछ सिद्धांत सर्वमान्य है, जैसे ग्रह किस भाव में बैठा है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ है या अशुभ है, नीच का है, उच्च का है, शत्रु का है, मित्र राशि का विचार आदि के आधार पर, गोचर में क्या स्थिति चल रही आदि आदि के आधार पर ग्रह अपनी मतलब फलित देता है। शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो निश्चित रूप से अच्छे फल देगा, यदि उसकी खराब प्लेसमेंट होगी तो वो अच्छे फल नहीं देगा। शनि की महादशा के पहले आपको इसके कारकत्व के मामले में जानना बहुत जरूरी है कि शनि के कारकत्व क्या होते हैं। जैसे शनि के कारकत्व मुख्य से बताना चाहता हूँ कि मेडिकल के क्षेत्र में यदि आपको कोई बीमारी हो तो इससे रिलेटेड बीमारी होती है। शनि की मुख्यतः वात या कुछ कफ प्रकृति है। ये बहुत धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है और इसके कारण से होने वाले रोग असाध्य या दीर्घकालिक होते हैं। शनि का अधिकार क्षेत्र टांगे पैर नाड़ी बड़ी आंत होता है। अधिकतर शनि का अधिकार क्षेत्र टांगे पैर नाड़ी होता है कि पैर के जो घुटने के नीचे वाला भाग होता है वो शनि से संबंधित होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है इसको लेके, जैसे कि दीर्घकालिकता, असाध्य रोग, उन्माद, पक्षाघात, लकवा, पागलपन, गिल्टी रोग है ना, कैंसर, अदृष्ट खतरे, थकान, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसको लेके होती है। तो ये तो शनि के कारकत्व हुए। और शनि के जो कारकत्व स्पेशल है कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा है इसमें लंबा समय लगेगा। त्वचा रोग, मृत्यु, दीर्घायु, नीच स्त्री से जन्म, वर्ण संकर, हड्डियाँ, अश्व, हाथी, लोह, कंबल, शीशा, तेल, लकड़ी, बकरियाँ, भैंसें आदि, ये शनि के कारकत्व हैं। बहुत लंबे चौड़े हैं। स्त्री से प्रसन्नता, उदारता, मिथ्यावाद, गंदी बातों की ओर ध्यान जाना, क्रूर कर्म, अधोदृष्टि, नीच कर्म, तामसी ब्राह्मण, दीर्घकालिक इत्यादि। शनि के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, शनि तुला राशि में उच्च का होता है 20 डिग्री में और शनि मेष राशि में नीच का होता है 20 डिग्री में, और मूल त्रिकोण इसकी राशि कुंभ राशि होती है जो 0 से 20 डिग्री तक होनी चाहिए। इसमें जो डिग्री का बड़ा महत्व होता है, 0 से 20 डिग्री तक ही उच्च का कहलाएगा, हो सकता है वो 25 का हो जाए तो नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से 0 से 20 डिग्री के अंदर जो नीच राशि का मेष राशि का होगा तो ही नीच का कहलाएगा। यदि वो 25 राशि, 22, 23, 24 राशि का हो जाएगा तो उसका नीचत्व में कमी भी आ जाएगी। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। थ्योरी नंबर 1, शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा का फल। यदि
शनि की दशा में शनि का अंतर हो, शनि यदि स्वराशि का हो, उच्च का हो, अच्छे परम उच्च स्थान में हो, परमोच्च अंश मतलब आपके उच्च अंश में 20 अंश में हो तुला राशि में, ऐसी स्थिति में वो अच्छे फल देता है। वह लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो तो राजयोग कारक होता है, उस समय सारी चीजें पॉजिटिव, खासकर राज्य लाभ, स्त्री से पुत्र से सुख, हाथी आदि सवारी, वस्त्र का लाभ, राजा की कृपा से सेनापतित्व, पशु ग्राम भूमि का लाभ इत्यादि। देखिए ये जो मैंने लिखा हूँ ये सेम एज इट इज जो ऋषि पाराशर की होराशास्त्र की ओरिजिनल बुक्स है उससे मैं स्कैन करके लिखा हूँ, जिससे आपको पता भी लगे कि वाकई बुक में क्या भाषा लिखी होती है और जो ज्योतिषी आपको समझाता वो क्या होता है, कि उस ये सारी चीज़ें आज से 3,000 साल पहले लिखी, काल परिस्थिति में ये सारी चीज़ें अपने आप में परिवर्तन ली है, तो एज इट इज़ आप उसको उसका अर्थ आपको नहीं लगाना चाहिए। यहाँ मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ, कन्या लग्न की कुंडली में आपको उदाहरण से बता रहा हूँ कि ये कन्या लग्न की कुंडली है। देखिए यहाँ पर ये चारों स्थान केंद्र स्थान होते हैं, तो चारों जगह मैंने शनि को बिठाया उदाहरण से, ये आप केवल एग्जाम्पल के लिए। आपकी कुंडली में शनि तो कोई एक स्थान पर होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, है ना। तो ये उदाहरण से मैंने आपको बताया हूँ। ये देखिए शनि यहाँ पे उच्च का हो गया, और यहाँ पे केंद्र में भी बैठा लूँ शनि को मैंने, ये केंद्र त्रिकोण स्थान है, ये त्रिकोण स्थान है, और ये चारों केंद्र स्थान है, और यहाँ पे जो है शनि का अपनी स्वराशि में है, मतलब 11 नंबर की राशि उसकी स्वराशि है, ठीक है। ऐसी प्लेसमेंट में यदि शनि होगा, कन्या लग्न की कुंडली में बता रहा हूँ, ठीक है, और ये जो फार्मूला है सभी लग्नों की कुंडली में बैठता है, तो आपकी कोई भी लग्न हो ये फार्मूला बैठेगा। यदि वो केंद्र में है, त्रिकोण में है, और उच्च के हैं, अच्छे स्थान पर बैठे हैं, तो शनि महाराज आपको अच्छे फल देगा। ओके, अब थ्योरी नंबर दूसरी है, शनि की महादशा में यदि शनि का ही अंतर चल रहा है, शनि यदि लग्न से 8वें 12वें भाव में बैठा है, देखिए ये कन्या लग्न की कुंडली में, और ये 8वां भाव और ये 12वां भाव, ठीक है, और यहाँ पे कन्या लग्न की कुंडली में शनि नीच का भी हो जाता है, तो निश्चित रूप से तकलीफ और बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी बहुत अच्छे रिजल्ट की बात नहीं ली है, क्या क्या होगा, राज भय, शस्त्राघात, रक्तस्राव, गुल्म, बीमारी, अतिसार आदि रोग, दशा के बीच में चोर आदि का भय, देश त्याग, मानसी व्यथा, दशा के अंत में शुभ फल लिखा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस नहीं है। ओके, शनि मकर लग्न की कुंडली का उदाहरण से बता रहा हूँ, शनि यदि द्वितीय से सप्तमी में अपमृत्यु का भय, यहाँ पे अपमृत्यु से आपको बिल्कुल नहीं डरना। अपमृत्यु का मतलब ये होता है कि आपकी नेगेटिव पोजीशन है, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अपमृत्यु का मतलब बिल्कुल मृत्यु नहीं निकालना, किसी एक हाथ मामले में मृत्यु हो सकती है, यही कारण है। ऐसे शब्दों से ही ब्राह्मण आपको डरा कर लूटता है, और यही लूटते हैं। देखिए भाषा कितनी गंदी लिखी हुई है, अब कोई लिखो अपमृत्यु, निश्चित रूप से आम आदमी बेचारे सज्जन लोग डर जाते हैं, तो ये अपमृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। अपमृत्यु में से आपको नेगेटिव खबर कोई मिलेगी, बहुत अच्छा पॉजिटिव नहीं होगा। शनि यदि द्वितीय से सप्तमी से हो, तो देखो मकर लग्न की कुंडली में शनि यहाँ पे कुंभ राशि में द्वितीय से, ओके, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जप करें, श्री शंकर की कृपा से सुख प्राप्ति होगी, उस दोष के साथ मृत्युंजय का जप, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, ये इसकी विशेष बात है, इसके विषय में मैं और भी आगे आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन ये महा अपमृत्यु से बिल्कुल ना डरें। देखिए कर्क लग्न की कुंडली में भी शनि सप्तमी से, ओके, इस स्थिति में भी वही बताया, शांति अर्थ महामृत्युंजय का जप। इसके बाद सिंह लग्न की कुंडली में, ये 5 नंबर सिंह लग्न की कुंडली में भी यहाँ पे कुंभ राशि में शनि जो है मार्केश है, ऐसी स्थिति में भी बोला है कि महामृत्युंजय का जब नगनगीना नहीं बोला, टोटके भी नहीं बोला ऋषि पाराशर ने, ठीक है, तो ये विशेष बात रही। अब मैं बता देता हूँ शनि के कौन कौन से मित्र ग्रह हैं, शनि के बुध और शुक्र मित्र ग्रह होते हैं, और गुरु महाराज इसके सम होते हैं, शनि के शत्रु होते हैं सूर्य, चंद्र और मंगल, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना चाहिए, आप मान के चलो शनि की शनि में आपकी शनि का अंतर, शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, तो आपको बोला ऋषि पाराशर ने कि श्री महामृत्युंजय जप, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वरुकमेव बंधनात् मृत्युर्मूर्च्छिमाम् तत्। आपके पास टाइम नहीं तो एक मंत्र पढ़ लिए, माला में पढ़ लीजिए, ये माला में 108 गुरिया होते हैं, और 108 का बहुत मात्र है, 27 नक्षत्र होते हैं, उसके 4 चरण होते हैं, 27 × 4 108 है। यदि आपने शुद्ध मंत्र मन से एक बार भी पढ़ लिया तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। आपसे निवेदन है बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, ओझाओं के चक्कर में ना पड़े, कोई टोटके से बचे, वैज्ञानिक बनिए, वैज्ञानिक तरीके से सोचिए। अब तेल चढ़ाने से क्या आज के डेट में लाभ मिलने वाला है, तो शनि को तेल ना चढ़ाएं। गरीब लोग किसी प्रकार का दान ना करें, आपके पास तो वैसे ही कोई धन नहीं है, वो साधारण से ऐसे मंत्रों से पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। गीता में भी लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
भगवान तो पत्र से, पुष्प से, फल से खुश हो जाते हैं। ये तो ब्राह्मण लोगों ने अपने पेट भरने के लिए लंबी लंबी कहानियां रचे हैं। आज से 3,000 साल पहले ये सब किताबें लिखी गई हैं। आज के दौर में इसके बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, काल परिस्थिति में बहुत सारा चेंजेस है। इतना खतरनाक लिखा है कि सोने की मूर्ति बनाना, था भाई कौन सोने की मूर्ति बनाएगा। आपसे निवेदन है कि जो भी मंत्र जाप करते हैं उसका महत्व बता देता हूँ। मंत्र का जाप माला में करें तो बहुत अच्छी बात है। एक माला में 108 गुरिया होती है, उसके पीछे 27 नसें, 4 चरण होते हैं, तो 108 का महत्व मैंने आपको पूर्व में भी अभी बताया, तो इसे डरने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि आपने माला पढ़ ली और बहुत सारी आप चीज़ें आप लगातार कर रहे हैं और शनि में शनि का अंतर चल रहा है और आप बड़े परेशान हैं, तो ये सब करने के बाद भी आपको यदि प्रॉब्लम हो रही है तो अपने सच्चे मन से भी किया, इसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब जो निर्धारित प्रारब्ध है तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो थोड़ा कष्ट सहने की आदत डाल लीजिए, लुटने पिटने से कुछ नहीं होगा, रातों रात चमत्कार कुछ नहीं होने वाला है। ये मेरी विशेष बात है, बिल्कुल सच्चे मन से आपको बता रहा हूँ। देखिए गृह शांति के उपाय में ऋषि पाराशर ने बताया, क्या क्या चीज़ बताई है, पूरी होरा शास्त्र में विशेष बात ये लिखी, गृह शांति के उपाय में स्पष्ट लिखा है कि सूर्य से लेकर राहु तक, राहु केतु शनि के मंत्र से गृह शांति होती है। तो आपकी जैसे शनि का मैंने बताया तो ओम त्र्यंबकम् रेजामहे का मंत्र आपको इसमें पढ़ना है, ओके। इसके बाद बताया कि स्वर्ण दान, दान दान चांदी का दान है ना, मूर्ति की प्रतिमा, छाग दान, भैंस दान, बकरा दान, गाय दान, काली गौ का दान, अश्वदान, दुर्गा सप्तशती का। अब देखिए ये दान तो गरीब आदमी नहीं कर सकता, ये राजा महाराजाओं के लिए 3,000 साल पहले लिखी गई ज्योतिष है। आज की काल परिस्थिति में हम सोने का दान हमको कहाँ से ला, सोना तो देखने को नहीं मिलता, सोना चांदी हम दान नहीं दे सकते, ना हमारे पास बड़े बड़े भैंस के फॉर्म हाउस है जो भैंस दान करें, ना बकरा है हमारे पास, ना गाय है, ना काली गाय कहाँ से लाएं। तो आप केवल बता दिए कि जिस मंत्रों का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्री जप, अब संस्कृत हम जानते नहीं तो रुद्री जप भी नहीं कर पाएंगे, महामृत्युंजय का मंत्र हम पढ़ सकते हैं तो करिए, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्र नाम, शिव की पूजा और दुर्गा माँ की पूजा, और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोतम, इसका पाठ आप कर सकते हैं। दान के लिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु, शनि का दान के लिए कहा गया है और ये ग्रह के मंत्र बताए गए हैं और इन ग्रहों की मूर्ति बनाकर पूजा करने की बात ऋषि पाराशर ने कहा है। तो यदि हम सक्षम नहीं हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम होटल में काम करते हैं, हम ईंट भट्टे में काम करते हैं, हम मजदूर हैं और हम किसी पंडित के पास धोखे से चले गए, तो भैया क्या हम पूरी मजदूरी दान में दे देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देना। ब्राह्मण तो का काम ही है लूटना, उसका तो पेट इसी से पलता है, बेचारा वो पुरोहित है, वो ऐसा ना कर, तुमको सच सच बता देगा तो उसके तो घर में खाने को लाले पड़ जाएंगे बेचारे के, वो तो कहेगा ऋषि पाराशर ने ऐसा लिखा था। ऋषि पाराशर ने आज से 3,000 साल पहले पाराशर लिखा, ज्योतिष विद्या लिखी थी, आज नहीं, आज की काल परिस्थिति में सब परिवर्तित हो गया। बिना भय के रहिए, बिना डर के, ईश्वरी नाम में बहुत शक्ति है, विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सप्तशती का पाठ, शिव सहस्त्र नाम और कोई भी मंत्र बहुत इजी सा आप ले सकते हैं और आप करिए, नहीं तो आपको बड़ा, आपके भ्रम में रहोगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इन दान जप में बहुत शक्ति है। नवग्रह स्त्रोत का भी पाठ आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा विकल्प है। गर्भवती माताएं, किशोरी बालिकाएं से निवेदन है कि कोई व्रत ना करें, छोटा सा पाठ कर लें। प्रतियोगिता परीक्षा वाले छात्र बिल्कुल परेशान ना करें, भगवान आपको डराने के लिए नहीं है। क्या हिंदू देवी देवता लुटे रहे हैं क्या, हर बात में पैसे मांग के आपको परेशान करेंगे? नहीं, ये तो हमारे बदमाश पुरोहितों ने ये सब बदमाशी फैलाई है और शास्त्रों में लिखा जरूर है सोने की मूर्ति, लेकिन आप वैज्ञानिक तरीके से सोचिए ना कि आप सोने की मूर्ति दोगे कि आप होटल में काम करते हो, मजदूरी करते हो, तो सोने की मूर्ति बनाओगे शिव की और पूजा करोगे? नहीं, ये राजा महाराजाओं के लिए लिखा था, आपके लिए, आपके बाद लिए नहीं लिखा है, आपके लिए तो स्त्रोत पाठ सुझाया है ऋषि पाराशर ने, और बड़े सरल है, करिए और डरिए मत, आपने डरे गए तो आप मारे जाओगे। विष्णु सहस्त्रनाम बहुत अच्छा विकल्प है, इस आपकी पूरी नौकरी की शांति हो जाएगी। और हर बार मैंने कम से कम 9 या 10 बार विष्णु सहस्त्रनाम का ऋषि पाराशर ने नाम लिया है। विष्णु सहस्त्रनाम निःशुल्क है, 2-3 रुपये का मिलता है, गीता प्रेस से लीजिए, पढ़िए, पूरे नवग्रह की शांति होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, ईश्वरी प्रार्थना में आपकी ग्रह शांति होती है। लुटिए मत, पिटिए मत, और 4 लोगों को बचाइए भी। वृद्ध माता पिता के शनिदेव बोलता है, शनिदेव तो मजिस्ट्रेट है, जो बदमाशी करते हैं उनको अपने जीवन के कर्म के परिणाम मिलते हैं। गरीब लोगों को सताओ मत आप लोग, और जो है लोगों की मदद करेंगे तो आपकी ग्रह शांति होगी और आपको कुछ नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से रहिए। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।